हेलो फ्रेंड्स, देखिए 2 मीटर से कम कपड़े में कैसे सलवार की कटिंग करें। मेरे तो कपड़े भी छोटे पड़ गए थे, मैं इस तरह से 2 फोल्ड करके बेल्ट की कटिंग कर दी और कपड़े को 4 फोल्ड करके मैं टोटल लेंथ बेल्ट को जितना बेल्ट लिया था उसको माइनस कर दिया। टोटल लेंथ लेने के बाद मैंने मोहरी जितना है ले लिया और टोटल लेंथ जितना था उसका आधा करके मैं एक मार्किंग कर दी और इस तरह से मार्क करके मैं कपड़ा को कटिंग कर दिया। देखिए इस तरह से कटिंग कर दिया, जो भी कपड़ा मेरा निकला मैं उसको इसके साथ उधर जोड़ दिया। मेरा हस्तन 14 इंच था, मैं 14 इंच 7 इंच बेल्ट में निकल गया है। मैं इस तरह से और 8 इंच मार्क करके इस तरह से कटिंग कर दिया। देखिए सलवार की कटिंग खत्म। देखिए हम अब बेल्ट को इस तरह से साइड से जोड़ कर सिलाई कर देंगे। 1/2 इंच छोड़ कर हम इस तरह से सिलाई कर देंगे, हमारा बेल्ट कम्प्लीट हो जाएगा। देखिए मैं इस तरह से सिलाई करते और ऊपर से 1.5 इंच मोड़ कर सिलाई कर दिया, मेरा बेल्ट कम्प्लीट हो गया है। अभी हम पैंट की साइड जो कटिंग किए थे अस्तन की, वो हमको जोड़ देना है। इस तरह से हम दो पैंट जो पैंट कटिंग कर रहे थे उसके साथ वो सब जोड़ देंगे। देखिए मैं जोड़ दिया हूँ, पैंट की सिलाई हो गया है। अभी हम प्लेट करेंगे, 3 इंच छोड़ कर हम इस तरह से प्लेट करके जितना हमारा बेल्ट होगा उस तरह से हम उसके हिसाब से सिलाई कर देंगे। देखिए मैंने सिलाई कर दिया, अभी हम बेल्ट के साथ पैंट को अटैच कर देंगे सिलाई करके। देखिए इस तरह से मैंने पैंट की सिलाई इस तरह से राउंड शेप करके जोड़ दिया हूँ। अभी हम मोहरी के स्थान में पेपर पेस्ट लगाकर इस तरह से मोड़ कर सिलाई कर देंगे। इस तरह से मोड़ करके सिलाई करके हमने जो पैंट कर दिया हूँ, अभी हम पैंट की सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमारा मोहरी है 6 इंच मार्किंग कर देंगे और इस तरह से हम पूरा वी शेप में सिलाई कर देंगे पैंट को। थैंक यू।